बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक DIY। दोस्तों ये ड्रिल मशीन जो आप देख रहे हैं, इसके कार्बन बुश वाली जगह से शोला निकलता है, चिंगारी निकलती है जब इसे चलाया जाता है। तो इसे खोल के हम चेक करेंगे क्या इसके कार्बन बुश ख़त्म है या इसका कोई स्प्रिंग जो है ढीला है कार्बन बुश का। कम्यूटेटर के ऊपर अगर अच्छे तरीके से कार्बन बुश जो है अटैच ना हो तो शोला निकलता है। तो इसे हम खोल के चेक करेंगे इसके अंदर से चिंगारी जो निकल रही है क्यों निकल रही है। तो इसे हम खोल के मुकम्मल जो है चेक करेंगे और आप जो है मुकम्मल अगर वीडियो देखेंगे तो इसका जो फॉल्ट है आपको समझ आएगा। बज़ाहिर देखने में तो इसका आर्मेचर जो है वो भी ठीक नज़र आ रहा है और उसके बाद जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है वो भी ठीक नज़र आ रही है। इसका बैरिंग में थोड़ा सा प्ले है। इसका आर्मेचर जो है और फील्ड है ये बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसका जो मेन फॉल्ट है ये आपको दिखाएंगे, ये कार्बन बुश की जो तार है कार्बन बुश के साथ जो लगी होती है वो बिल्कुल टाइट हो चुकी है। तो कार्बन अच्छे तरीके से कम्यूटेटर से टच नहीं हो पा रहा, इसलिए थोड़ा सा इससे शोला निकल रहा है। तो हम पेच ढीला करके कार्बन बुश को जो है थोड़ा सा तार इसकी जो है ढीली करेंगे। क्योंकि कार्बन बुश को आगे धकेलने के लिए जो एक पीछे स्प्रिंग लगा हुआ होता है, तो स्प्रिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता कार्बन बुश थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो तार जो है उसकी टाइट हो चुकी थी स्प्रिंग के दबाव की वजह से। तो इसलिए थोड़ा सा तार को हम ढीला करेंगे। तार को थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे ताकि इसमें प्ले हो, ताकि मज़ीद जो कार्बन बुश है आगे की तरफ हो कम्यूटेटर की साइड पे, तो तार जो है मज़ीद इसकी टाइट ना हो। दूसरी साइड का भी कार्बन बुश है वो भी इसी तरीके से थोड़ा अच्छे तरीके से कम्यूटेटर के ऊपर अटैच नहीं हो रहा। दूसरी साइड का जो कार्बन बुश है उसका भी थोड़ी सी तार जो है हम ढीली छोड़ेंगे। ये इसका स्प्रिंग जो आप देख रहे हैं कार्बन बुश को आगे की तरफ धकेलता है। बाजू का स्प्रिंग कुछ
ड्रिल मशीन कोई ऐसी होती है, उनका जो स्प्रिंग है थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसका स्प्रिंग जो है ये थोड़ा मुख्तलिफ है। गरारी के ऊपर ग्रीस लगाएंगे क्योंकि गरारी के जो दांत हैं थोड़े से खुश्क हो चुके थे। और दोबारा हम इसको फिट करेंगे। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे लाजमी दबाया करें ताकि हम आपके लिए कोई भी अच्छी और मालूमाती वीडियो बनाए उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक तो पहुँचता रहे, और आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है देखते रहें। अब हम इसको चला के दोबारा चेक करेंगे। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी, तो अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।